सभी साथियों को सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम। आज की हम इस वीडियो में एक जरूरी बात बताने के लिए आए हैं हम आपको, जो कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी, गृहमंत्री अमित शाह, CAA, NRC और NPR जैसे बिलों से संबंधित है और अखिलेश यादव जी से भी संबंधित है। लखनऊ में गृहमंत्री अमित शाह ने जो कि एक रैलियाँ की थी, भारतीय जनता पार्टी ने रैलियाँ की थी, उन रैलियों में गृहमंत्री अमित शाह ने जो कि विपक्ष की पार्टियों की कुछ चुनौतियां दी थी CAA, NRC और NPR जैसे बिलों को लेकर। उन्होंने बोला था कि कोई भी हमसे बहस करना चाहता हो, NRC, CAA और NPR से संबंधित कोई भी हमसे बहस करना चाहती हो विपक्ष की पार्टी, तो वो हमसे कर सकती है। तो इसी का करारा जवाब देते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ये चुनौती गृहमंत्री अमित शाह की स्वीकार की, और स्वीकार करने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया था। उसमें बोला था कि हम CAA, NRC जैसे बिल पर मनचाहे जब बहस करने के लिए तैयार हैं। आपकी जगह होगी, आपकी मंच होगी, हम आप चाहोगे उस जगह पर बहुजन समाज पार्टी आपसे बहस करने के लिए तैयार है। वो ट्वीट इस टाइम हमारी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी ने भी अमित शाह पर निशाना साधते हुए, गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बहस करने की बात छेड़ दी है गृहमंत्री अमित शाह से, और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है अखिलेश यादव जी ने। और उन्होंने बोला है जो भारतीय जनता पार्टी है बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर कोई भी बहस नहीं करना चाहती है, और हम पूरी तरह से तैयार हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी चाहे अपना मंच रखे, चाहे कहीं पर भी हमें बुला सकती है। तो यही थी सबसे बड़ी अपडेट, जो कि गृहमंत्री अमित शाह की चुनौतियाँ विपक्षी पार्टियां हर दम स्वीकार करती हैं, पर जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। यही सब मैं आपको बताने के लिए आया था। अगर साथियों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।